हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम है द बैटमैन। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। कहानी के शुरू में हमें गौतम सिटी दिखाया जाता है और जहां हम देखते हैं गौतम सिटी के मेयर को। मेयर अपने घर में अकेला होता है क्योंकि आज का दिन हॉलोवीन का दिन है, इसीलिए उसकी पूरी फैमिली बाहर गई हुई है। और तभी हम देखते हैं एक नकाबपोश हथियारा मेयर को जान से मार देता है और उस नकाबपोश हथियारे का नाम होता है रिडलर, जो कि एक साइकोपैथ किलर होता है। उसके बाद शिफ्ट होता है, हमें बैटमैन को दिखाया जाता है जो कि गौतम सिटी के गुंडों को सफाया कर रहा होता है। उसके बाद यहाँ से सीन कट होता है, हमें क्राइम सीन पे दिखाया जाता है जहाँ लेफ्टिनेंट गॉर्डन और बाकी सारे पुलिस कर्मी मेयर के घर में आता है और यहाँ बैटमैन भी आता है। और हम यहाँ देखते हैं हथियारे रिडलर ने मेयर को बहुत बुरी तरीके से मारा है। रिडलर मेयर का उंगली भी काट के लेके गया है और मेयर के फेस पे टेप चिपका दिया है और उस टेप में लिख दिया है नो मोर लाइज। और वो बैटमैन के लिए दो क्लू भी छोड़ के जाता है। फिर लेफ्टिनेंट गॉर्डन उस क्लू को पढ़ने लगता है। उस क्लू में था झूठे के मरने से क्या होता है और दूसरे क्लू में कुछ नंबर्स था। तभी बैटमैन गॉर्डन को बताता है झूठे के मरने से सच दफन होता है। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बैटमैन को जो कि अपने घर में आ जाता है। उसके बाद उसके पास अल्फर्ड आता है और अल्फर्ड कहता है आपने सुना आज किसी ने मेयर को मार दिया है। बैटमैन कहता है हाँ मैं वही था। तभी अल्फर्ड कहता है हमारे कंपनी का अकाउंट डिपार्टमेंट आपसे मिलने के लिए आ रहा है, आप रेडी हो जाइए। पर ब्रूस उनसे मिलने के लिए मना कर देता है। फिर अल्फर्ड कहता है ऐसा करने से वेन इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगा। ब्रूस वेन कहता हो जाने दो। उसके बाद ब्रूस वेन वहां से चला जाता है। तभी अल्फर्ड का नजर उस हथियारे के भेजे हुए मैसेज पे जाता है। फिर अल्फर्ड उस कोड को सॉल्व कर देता है और सारे कोड को मिलाने के बाद आंसर आता है ड्राइव। के बाद बैटमैन और लेफ्टिनेंट गॉर्डन उस मेयर के कार के गैराज में जाता है और वहाँ बैटमैन को एक कार में एक यूएसबी ड्राइव और मेयर का काटा हुआ उंगली मिलता है। उसके बाद ये लोग उस यूएसबी ड्राइव को ओपन करते हैं और उस यूएसबी ड्राइव में इन्हें कुछ फोटोज मिलता है और ये फोटोज मेयर का होता है। और इस फोटो में मेयर एक लड़की के साथ होता है जहाँ इन्हें मेयर का असलियत पता चलता है। दरअसल मेयर एक करप्ट आदमी होता है। बैटमैन कहता है सच हमेशा दफन होता है और हमें उस सच को बाहर निकालना पड़ेगा। और उस फोटो में एक पेंगुइन नाम का आदमी होता है जो कि अंडरवर्ल्ड के बड़े माफिया कारमाइन फाल्कन का राइट हैंड है और इस जगह का नाम है आइसबर्ग लॉन्च। उसके बाद सीन कट होता है, हम देखते हैं बैटमैन को जो कि आइसबर्ग लॉन्च में पहुंच जाता है और सारे गार्ड को फिटने के बाद वो पेंगुइन के पास पहुंचता है और फिर पेंगुइन को उस लड़की का फोटो दिखाता है और उस लड़की के बारे में पूछने लगता है। पेंगुइन कहता है मैं इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानता, मैं बस इस लड़की के पीछे खड़ा हूँ। फिर बैटमैन कहता है मुझे सच बताओ, मुझे लगता है ये लड़की मेयर के मर्डर में शामिल है। फिर पेंगुइन कहता है मैं सिर्फ एक क्लब चलाता हूँ, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी बैटमैन का नजर एक लड़की पे जाता है जो कि छुप के इन दोनों को देख रहा होता है और वो लड़की इस क्लब में वेटर का काम करती है। तभी बैटमैन भी उस लड़की को देख लेता है और फिर बैटमैन उस लड़की को फॉलो करने लगता है। उसके बाद वो लड़की अपने घर पहुंचती है और बैटमैन भी उसे दूर से देख रहा होता है और यही लड़की कैटोमैन होती है। और उस लड़की के घर में एक और लड़की होता है और इसी लड़की के साथ मेयर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। उसके बाद कैटोमैन अपने घर से निकल जाती है और बैटमैन भी उसके पीछे पीछे जाता है। उसके बाद कैटोमैन मेयर के घर जाती है चोरी करने। दरअसल मेयर ने उसकी फ्रेंड का पासपोर्ट चुरा के रखा हुआ था और तभी यहाँ बैटमैन आ जाता है और बैटमैन के साथ कैटोमैन का फाइट भी होता है। फिर बैटमैन कैटोमैन के हाथ से वो पासपोर्ट ले लेता है और पासपोर्ट में उस लड़की का नाम होता है कोसोलोव अनिका। और फिर बैटमैन कैटोमैन से कहता है तुमने अपने दोस्त के लिए मेयर को मारे हो। कैटोमैन कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके बाद बैटमैन कहता है मुझे तुम्हारे दोस्त से बात करना है। उसके बाद ये लोग दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। फिर जब ये लोग दोनों कैटोमैन के घर पहुंचता है तब ये लोग देखता है वहाँ अनिका नहीं होती है, अनिका को किसी ने किडनैप कर लिया है। तभी न्यूज चैनल में दिखाता है रिडलर ने गौतम सिटी के कमिश्नर को भी मार दिया है। तभी कैटोमैन कहती है मैंने इस इंसान को देखा है क्लब में बहुत बार। उसके बाद बैटमैन कैटोमैन को मदद करने के लिए कहता है। उसके बाद यहाँ सीन कट होता है, हम देखते हैं बैटमैन को जो कि कमिश्नर पीट सैवेज के डेड बॉडी को देखने जाता है और वहाँ भी रिडलर ने बैटमैन के लिए कुछ क्लू छोड़ा है और ये क्लू है चूहे की तरह दबक बैठा है चुगलखोर, जब डालोगे उस पर रोशनी मिलेगी मेरी छोर। उसके बाद यहाँ से सीन कट होता है, बैटमैन कैट ओमन को उस क्लब के अंदर भेजने का फैसला करता है। उसके बाद बैटमैन कैट ओमन के आंखों में लेंस लगा देता है जिससे बैटमैन वहाँ के सारे चीजों को देख पाएगा। उसके बाद कैट ओमन उस क्लब के अंदर चली जाती है और वहाँ बहुत सारे गौतम शहर के बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स और पावरफुल लोग यहाँ होते हैं। उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जिसका नाम है गिल कोल्सन वो भी यहाँ होता है और उसे चुगलखोर के बारे में पता है। उसके बाद कैटोमैन गिल कोल्सन से सारी इन्फॉर्मेशन ले लेती है। वो कहता है एक चुगलखोर था जिसने सल्वाडोर मरोनी के बारे में पुलिस वाले को टिप दिया था और इसी के मदद से हम लोग सल्वाडोर मरोनी के काले धंधे बंद
ऑन किए थे। उसके बाद कैटवुमन वहां से चली जाती है, पर उसके पीछे गिल कोल्सन भी आता है। फिर गिल कोल्सन अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है और अपने कार में जाकर बैठ जाता है, और तभी हम देखते हैं उसके कार में पहले से ही रिडलर था। रिडलर गिल कोल्सन को बेहोश कर देता है और उसे किडनैप भी कर लेता है। दूसरी तरफ अल्फर्ड कमिश्नर के बॉडी के पास मिली हुई क्लू को डिकोड कर लेता है। अल्फर्ड को वहाँ एक दूसरा क्लू मिलता है और वो क्लू होता है यू आर अलराटा लाडा। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें मेयर के फ्यूनरल में दिखाया जाता है, और इस फ्यूनरल में गौतम शहर के बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, और यहाँ ब्रूस वेन भी आता है। और तभी उस फ्यूनरल में एक कार आ जाता है, और उस कार में होता है गिल कोल्सन, और रिडलर ने गिल कोल्सन के ऊपर पूरी तरह से बॉम्ब लगा दिया है और उसका कंट्रोल रिडलर के हाथ में है, और रिडलर चाहता है कि बैटमैन उससे बात करे। तभी बैटमैन गिल कोल्सन के पास आता है, फिर बैटमैन गिल कोल्सन को बम से बचाने की कोशिश करता है, पर रिडलर गिल कोल्सन को मार देता है। उसके बाद लेफ्टिनेंट गॉर्डन और बैटमैन को लगता है पेंगुइन ही चुगलखोर है, अगर उसे ढूंढ लिया तो रिडलर भी मिल जाएगा। उसके बाद बैटमैन पेंगुइन को ढूंढने के लिए जाता है, और पेंगुइन को ढूंढने कैटवुमन भी आती है, और यहाँ हम देखते हैं पेंगुइन के कार में कैटवुमन की फ्रेंड की डेड बॉडी होती है। उसके बाद पेंगुइन यहाँ से इन लोगों को चकमा देकर निकल जाता है, पर बैटमैन पेंगुइन के पीछे जाता है, और यहाँ हम एक अच्छी सी कार चेसिंग देखते हैं। उसके बाद बैटमैन पेंगुइन को पकड़ लेता है, फिर पेंगुइन से पूछताछ करता है। पेंगुइन बताता है मैं चुगलखोर नहीं हूँ, चुगलखोर कोई और है। उसके बाद बैटमैन रिडलर के क्लू के बारे में ध्यान से सोचता है, और बैटमैन को एलराटा इलाडा का बात याद आता है। उसके बाद बैटमैन एक कंप्यूटर में एलराटा इलाडा लिखता है, जो कि एक वेबसाइट होता है। उसके बाद बैटमैन की बात रिडलर से होता है, ये दोनों चैट के जरिए आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां रिडलर बैटमैन को एक और क्लू देता है, पर बैटमैन उस क्लू को क्रैक कर देता है। और यहां बैटमैन ये समझ जाता है कि रिडलर एक ऑर्फेंस से है और वो उसी ऑर्फेंस में बड़ा हुआ है। उसके बाद गॉर्डन और बैटमैन उस ऑर्फेंस में पहुंच जाता है, जहां ब्रूस वेन का फादर थॉमस वेन का पुराना वीडियो चलता है, जहां थॉमस वेन कहता है मैं मेयर बनने के लिए इलेक्शन लड़ूंगा, और साथ ही साथ मैं एक चैरिटेबल ट्रस्ट का स्थापना करूंगा, जिससे गरीबों को और अनाथों को फायदा मिल सके। तभी बैटमैन समझ जाता है इसका अगला निशाना ब्रूस वेन है, तभी बैटमैन वहां से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हम बैटमैन के घर पे देखते हैं, जहां अल्फर्ड के पास एक डिलीवरी पैकेज आया हुआ है, और उस डिलीवरी पैकेज में एक बम होता है, और तभी ये बम फट जाता है, जिससे अल्फर्ड बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, इसीलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। उसके बाद बैटमैन के पास एक वीडियो आता है रिडलर का, जिसमें वेन परिवार का फैमिली हिस्ट्री बताया जाता है। रिडलर कहता है मार्था एक पागल औरत थी, और ये बात एक रिपोर्टर को पता चल गया था, पर थॉमस वेन अपने इलेक्शन कैंपेन को बचाने के लिए अपने गैंगस्टर दोस्त कारमाइन फैल्कोन से उस रिपोर्टर को दुनिया से हटा दिया, और फिर अपने झूठ से अपनी लेगेसी बनाई। उसके बाद ब्रूस वेन अपने घर से सीधा कारमाइन फैल्कोन के अड्डे में पहुंचता है, और फिर कारमाइन फैल्कोन से अपने फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछने लगता है। तभी कारमाइन फैल्कोन कहता है ये बात सही है, उस रिपोर्टर को तुम्हारे फैमिली के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई थी, इसीलिए हमें उसे मानना पड़ा। उसके बाद बैटमैन अल्फर्ड के पास जाता है, फिर अल्फर्ड को कहता है मैं कारमाइन फैल्कोन से मिला, और उसने बताया कि उसने डैड के कहने से उस रिपोर्टर को मारा है। और फिर डैड और कारमाइन फैल्कोन के दोस्ती बढ़ते हुए देख सेल्वाडोर मरोनी डैड और मॉम को मरवा देता है। तभी अल्फर्ड कहता है ये सच बात नहीं है, तुम्हारे डैड एक नेक इंसान थे, तुम्हारे डैड ने कारमाइन फैल्कोन से उस रिपोर्टर को डराने के लिए कहा था, लेकिन कारमाइन फैल्कोन ने उस रिपोर्टर को मार दिया, और इस बात से आपके डैड को बहुत ज्यादा सदमा लगा, और फिर आपके डैड कारमाइन फैल्कोन से कहा मैं जाके पुलिस को बता दूंगा, और उसी रात को आपके डैड और मॉम को मार दिया गया। फिर यहाँ से सीन कट होता, हमें कैटवुमन को दिखाया जाता है, जो कि एक गौतम सिटी के बड़े अधिकारी को पकड़ के रखा हुआ है। तभी यहाँ बैटमैन और गॉर्डन आ जाता है, फिर कैटवुमन कहती है इसी ने अनिका को मारा है, फिर वो अनिका का रिकॉर्डिंग सुनाती है बैटमैन और गॉर्डन को, और यहाँ हमें पता चलता है कि अनिका को कारमाइन फैल्कोन ने मारा है। तभी कैटवुमन उस आदमी को मारने जाता है, पर बैटमैन ऐसा करने से कैटवुमन को रोक देता है। फिर बैटमैन कहता है असली चुगलखोर कारमाइन फैल्कोन है। तभी गॉर्डन उस पुलिस ऑफिसर से पूछता है क्या कारमाइन फैल्कोन है चुगलखोर, फिर वो पुलिस ऑफिसर बताता है थॉमस वेन के मरने के बाद उसके चैरिटेबल ट्रस्ट में ये लोग भूखे गिद्ध की तरह झपट पड़े, बहुत ज्यादा पैसा जिसका
का कोई भी हिसाब नहीं रखता, पर फाल्कोनी को और भी ज्यादा चाहिए था, इसीलिए वो मारोनी को पुलिस से पकड़वा दिया और उसके सारे बिजनेस को अभी हम कंट्रोल करते हैं और हम सभी मारोनीस के अंडर पे काम करते हैं और पिछले 20 साल से वही मेयर है गौतम शहर का। तभी कैटोमैन उस पुलिस ऑफिसर को उस बिल्डिंग से नीचे गिरा के वहां से भाग जाती है और बैटमैन और गॉर्डन मिल के उस पुलिस ऑफिसर को बचा लेता है। उसके बाद हम कैटोमैन को देखते हैं जो कि कार्माइन फाल्कोन के पास जाता है उसे मारने। दरअसल कार्माइन फाल्कोन कैटोमैन का डैड होता है पर वो कार्माइन फाल्कोन को मार नहीं पाती। फिर यहाँ बैटमैन आ जाता है और फिर कार्माइन फाल्कोन को पकड़ लेता है और फिर उसे जेल भेज दिया जाता है। पर रास्ते में ही रिडलर कार्माइन फाल्कोन के ऊपर गोली चला देता है और उसे मार देता है। उसके बाद बैटमैन उस रूम में जाता है जिस रूम से गोली चली थी पर वहाँ रिडलर नहीं होता है। तभी वायरलेस में खबर आता है गोली चलने के बाद ऊपर से एक आदमी आकर पास के कैफे में बैठा हुआ है। उसके बाद ये सारे ऑफिसर मिलकर रिडलर को पकड़ लेते हैं। उसके बाद उसे एक असाइलम में भेज दिया जाता है। उसके बाद बैटमैन रिडलर से मिलने जाता है। रिडलर कहता है जिस दिन थॉमस वेन मारा गया उस दिन मैं वहाँ था, उन्होंने कहा था वो गरीबों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं पर उनके जाने के बाद सब लोग हमारे बारे में भूल गए, हमें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया गया और पूरे गौतम सिटी को चिंता थी सिर्फ ब्रूस वेन का जो कि एक अमीर अनाथ बच्चा था। और तुम्हें पता है अनाथ होना किसे कहते हैं? एक रूम में 30 आदमी एक साथ रहते हैं और हर ठंड में कई बच्चे मर जाते हैं क्योंकि उन्हें ठंड बर्दाश्त नहीं होती। मुझसे एक गलती हो गई कि मैं ब्रूस वेन को नहीं मार पाया, सिर्फ वो ही बच गया हमारे हाथ से और इन सभी में तुमने मेरी बहुत मदद की। तभी बैटमैन कहता है मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की, मैंने सब कुछ प्लान करके रखा है, मैं सोचा था हम दोनों मिलकर यहाँ से साथ में बैठ के तमाशा देखेंगे। बैटमैन पूछता है कैसा तमाशा? तभी रिडलर कहता है मैंने कितने सारे इशारे दिए पर तुम अभी तक समझ नहीं पाए। तभी हम देखते हैं गौतम शहर के चारों तरफ बम फटने लगता है। दरअसल रिडलर ने गौतम शहर के चारों तरफ बम प्लान करके रखा था और रिडलर ने अपने जैसे लोगों को मिलाकर एक आर्मी भी बनाई है। उसके बाद हम देखते हैं गौतम हार्बर का पानी पूरी तरह से गौतम शहर में घुसने लगता है। सारे लोग बचने के लिए गौतम स्क्वायर में पहुंचते हैं पर यहां पहले से ही रिडलर को फॉलो करने वाले लोग होते हैं। दरअसल ये पूरा प्लान रिडलर का ही होता है और यहां बनने वाली नई मेयर भी होती है और वो मेयर लोगों को संबोधित करने जाती है। तभी रिडलर के फॉलोअर्स में से एक आदमी उस मेयर के ऊपर गोली चला देता है और फिर यहां बैटमैन आ जाता है। उसके बाद बैटमैन रिडलर के सारे फॉलोअर्स को मारना शुरू कर देता है और गौतम शहर के जितने भी लोग थे सबको बचा लेता है। दरअसल अभी तक बैटमैन का एक नेगेटिव इमेज था गौतम सिटी में, लोग बैटमैन को गुंडा मानते थे जो कि कानून को नहीं मानता था पर लोग अब बैटमैन को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद यहाँ फिर से सीन कट होता है, हमें असाइलम में दिखाया जाता है जहाँ रेडलर के बगल में बंद एक कैदी रेडलर से कह रहा होता है बैटमैन ने तुम्हारी इरादों पे पानी फेर दिया और ये जोकर होता है। उसके बाद जोकर रेडलर से कहता है कौन एक ऐसा आदमी है जो तब साथ देता है जब इंसान का साथ पूरी दुनिया छोड़ देता है। तभी रेडलर कहता है एक सच्चा दोस्त। उसके बाद ये लोग दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद यहाँ से सीन कट होता है, हमें बैटमैन और कैट ओमेन को दिखाया जाता है और कैट ओमेन अब बैटमैन को अलविदा करके दूसरे शहर में जा रही है और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है।